नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी। और खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने की सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा, कहा तत्परता और संतुष्टि के साथ करें आम आदमी की समस्या का समाधान। मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने की पर्यटन रणनीति और भावी योजनाओं की समीक्षा, कहा पर्यटन से रोजगार शासन की प्राथमिकता। मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के पिता श्री प्रेम सिंह चौहान के निधन पर किया शोक व्यक्त। और दस्तक अभियान की तैयारियों को लेकर राज्य स्तरीय कार्यशाला संपन्न, प्रदेश में 10 जून से 20 जुलाई तक संचालित होगा दस्तक अभियान। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने मंत्रालय में सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा करते हुए कहा है कि आम आदमी की समस्याओं का समाधान तत्परता और संतुष्टि के साथ सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि इस काम को निष्ठा के साथ समय सीमा में करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को प्रोत्साहित करें और लापरवाही बरतने वालों को दंडित किया जाए। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन की मौजूदा व्यवस्था को और अधिक पुख्ता और तत्पर बनाने को कहा। इस अवसर पर लोक सेवा प्रबंधन मंत्री श्री बाला बच्चन, मुख्य सचिव श्री एसआर मोहंती, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री अनुराग जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री अशोक वर्णवाल सहित संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने मंत्रालय में पर्यटन के क्षेत्र में रणनीति और भावी योजनाओं की समीक्षा करते हुए मध्य प्रदेश को पर्यटन प्रदेश के रूप में विकसित करने के लिए पर्यटक मित्र बनाने और अधोसंरचना के विकास पर विशेष ध्यान देने को कहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के पर्यटन स्थलों का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार प्रसार की नीति का मुख्य आधार माउथ पब्लिसिटी होना चाहिए, यह अधिक कारगर और प्रभावी होगा। उन्होंने कहा कि पर्यटन उद्योग से लोगों को रोजगार मिले, ये शासन की मंशा है। पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव हरिरंजन राव ने प्रदेश में वर्तमान में उपलब्ध पर्यटन स्थलों, संभावना और आगामी रणनीति के बारे में प्रस्तुतिकरण दिया। बैठक में पर्यटन मंत्री श्री सुरेंद्र सिंह बघेल, मुख्य सचिव श्री एस आर मोहंती, अपर मुख्य सचिव वन श्री के सिंह, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री अनुराग जैन एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के पिता श्री प्रेम सिंह चौहान के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय श्री प्रेम सिंह चौहान धार्मिक स्वभाव और सीधे सरल व्यक्तित्व के कारण पहचाने जाते थे। सामाजिक कार्यों में उनकी गहरी रुचि थी। मुख्यमंत्री श्री नाथ ने दिवंगत आत्मा की शांति और शोकमग्न परिजनों को इस दुख को सहने की शक्ति देने की ईश्वर से प्रार्थना की है। राजधानी भोपाल में दस्तक अभियान की तैयारियों को लेकर राज्य स्तरीय कार्यशाला संपन्न हुई। कार्यशाला में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और महिला बाल विकास विभाग के संभाग एवं जिला स्तरीय अधिकारियों ने भाग लिया। इन दोनों विभाग द्वारा 10 जून से 20 जुलाई तक प्रदेश में संचालित किए जाने वाले दस्तक अभियान में 0 से 5 वर्ष आयु तक के बच्चों में कुपोषण और खून की कमी दूर करने सहित स्वास्थ्य की अन्य समस्याओं के निदान के लिए प्रभावी प्रयास किए जाएंगे। मुख्य सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग श्रीमती विजयन गोविल, प्रमुख सचिव महिला बाल विकास श्री जे एन कंसोटिया, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण आयुक्त श्री नितेश व्यास, महिला बाल विकास आयुक्त श्री एम बी ओझा और अभियान से जुड़े अन्य अधिकारियों ने कार्यशाला में अभियान के व्यवस्थित क्रियान्वयन संबंधी जानकारी दी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।